हेलो स्टूडेंट्स, उसी में हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, के कम्युनिकेशन क्या है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, फिर मीनिंग ऑफ इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है वो भी हम समझेंगे, ई कॉमर्स क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं, मोड ऑफ पेमेंट कैसे होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं, आउटसोर्सिंग कैसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में सीखने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखें तो nowadays the competition in the business has increased. In this age of competition for the development of business, the factor like human resource have become important. Implements like high quality of goods, low cost prompt transportation of goods and better services to the customers have become important in business. The process of communication through proper means of communication has become essential for business of units. E-commerce has come into existence for the transactions between units and with the customers. Further outsourcing has become necessary for the business. अब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन हम जब देखते हैं, तब कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, मतलब उसका हम पास देखें तो ये लेटिन वर्ड कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर, उसका मतलब है टू शेयर कॉमन ग्रेजुअली विद द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन हैज बीन चेंज एंड नाउअडेज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन हैज बिकम वाइडर। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन अब बहुत वाइड हो गया है, वो लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट में से आया है और उसको कम्युनिकेट, उसका मीनिंग क्या है, टू शेयर कॉमन थिंग्स को जब शेयर करना है तो उसका मतलब है टू शेयर कॉमन, दैट मीन्स कम्युनिकेशन। द प्रिमिटिव मैन यूज टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू साइंस एंड एक्सप्रेशन, कोई भी है वो साइंस और एक्सप्रेशन से कम्युनिकेशन भी करता है। आफ्टर दैट लैंग्वेज अ डेलिकेट वर्ड्स यूज इन कम्युनिकेशन एज रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज एंड साइंस कम्युनिकेशन हैज बिकम फास्टर एंड ईजी थ्रू वेरियस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन से ये सारी चीज़ें अब फास्टर हो गई हैं, ईजी हो गई हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, टू वेज में होता है, एक जब सुनेगा तभी एक बोलेगा और एक बोलेगा कोई सुनने वाला होगा तो ही। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स टू द टारगेट, सोर्स से टारगेट को जब बातचीत होती है तब कम्युनिकेशन होता है। इन दिस प्रोसेस द सेंडर फर्स्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन प्रॉपर फॉर्म एंड देन सेंड इट वाया मीडियम ऑफ चैनल, सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर वो कोई मीडियम से शेयर करता है। द रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरप्ट द मैसेज एंड रिस्पॉन्स, जब वो मैसेज पढ़ता है तब वो रिस्पॉन्स देता है। दस इन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट इमोशंस फीलिंग्स और इंस्ट्रक्शंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। इन कम्युनिकेशन व्हेन मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू वर्ड्स बाय यूज ऑफ लैंग्वेज इट इज़ नोन एज अ वर्बल कम्युनिकेशन। इन वर्बल कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन इज़ रिटर्न इन लैंग्वेज, जब क्या होता है कि कोई कम्युनिकेशन का इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, इंस्ट्रक्शंस है और वो दो कोई भी दो पर्सन के आमने सामने जब कम्युनिकेट होता है और जब मैसेज और थ्रू वर्ड्स होता है, ओरल फॉर्म होता है, तो ये एक वर्बल कम्युनिकेशन है। जब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तब वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इंफॉर्मेशन इज़ रिटन ऑन ओरल फॉर्म,
प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड एंड देयर प्लेसमेंट इन टू द सेंटेंस, ये इसके इसमें जो प्रॉपर फॉर्म में इंफॉर्मेशन शेयर होती है. द मैसेज शुड नोट द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड ईजी. स्पेसिफिक मीनिंग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेंटेंस. सेंटेंस का कोई स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है. कीप इन शॉर्ट एंड स्वीट द प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड वाइल क्रिएटिंग द मैसेज. द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. मैसेज ऐसा होना चाहिए कि शॉर्ट हो, ईजी हो और आसानी से पता चल सके. अब हम उसकी आगे देखें तो व्हेन कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन इज अटेम्प्टेड विदाउट लूजिंग वर्ड विदाउट व्हेन कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन इज अटेम्प्टेड विदाउट यूजिंग वर्ड्स इट इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जब वर्ड्स यूज नहीं होते हैं तब वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है. इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज थ्रू साइंस, फिजिकल एक्सप्रेशन, गेस्टर्स, पोस्टर्स, फेशियल एंड आई एक्सप्रेशन एंड आर्टिस्टिक्स वे एज एग्जाम्पल म्यूजिक, सिंगिंग, डांस, पिक्चर, ड्राइंग्स, मैप्स, सीरिंग, वो सारी चीज़ों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं. म्यूजिक से है, फिर कोई भी सिंगिंग से, डांसिंग से, कोई फेशियल एक्सप्रेशन से कर सकते हैं, कोई पोस्टर से, सिग्नल दे के कर सकते हैं. डेफिनेशन क्या है कम्युनिकेशन की? कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशंस थ्रू स्पीच, राइटिंग और साइंस. कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, आपको ये अंडरलाइन करनी है और याद भी रखनी है. कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, राइटिंग एंड साइंस. कम्युनिकेशन मीन्स अ प्रॉपर प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल रिगार्डिंग नॉलेज, कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस, फीलिंग्स ऑफ ओपिनियंस. सेंडर सेलेक्ट अ प्रॉपर मीडियम विच अफेक्ट्स द रिसीवर एंड एज अ रिजल्ट हिज बिहेवियर हैज चेंज एंड अ रिलेशनशिप विद हिम इज एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन. कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग अवर थॉट्स टू अदर्स माइंड. ये इजिएस्ट डेफिनेशन है. कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग अवर थॉट्स इनटू अदर माइंड. दूसरे के माइंड में अपने थॉट्स डालने हैं तो वो कम्युनिकेशन का पार्ट है. अब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? तो इंफॉर्मेशन मीन्स द आउटकम रिजल्ट आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा. एग्जाम्पल देखें तो इफ़ वी हैव वी कलेक्ट प्राइस ऑफ द थिंग फ्रॉम 5 डिफरेंट सोर्सेज देन दिस प्राइस एंड डेटा बट द डिटेल्स लाइक मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस आर इंफॉर्मेशन. प्राइस है लेकिन मैक्सिमम है, मिनिमम है, ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है. अब उसके हम प्रोसेस देखें तो एट दिस स्टेज द कम्युनिकेशन द स्टेप्स ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन आर फर्स्ट ए क्रिएशन ऑफ मैसेज. फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ मैसेज. द मैसेज वॉज फॉर्मुलेटेड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन. मैसेज में भी ओरल, रिटन एंड वर्बल और नॉन वर्बल. एग्जाम्पल फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा आफ्टर 8 PM द स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस विल बी एज फॉलोज. हमको ट्रैवलिंग करना है राजकोट टू वडोदरा आफ्टर 8 PM द स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस विल बी एज फॉलोज. अब सबसे पहला जो स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें सबसे पहला स्टेज है फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज. द मैसेज इज क्रिएटेड इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. मैसेज क्रिएट होता है इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. द मैसेज कैन बी ओरल, रिटन, वर्बल और नॉन वर्बल. मैसेज ओरल होता है, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, रिटन भी हो सकता है. तो हम एग्जाम्पल देखें कि एट वॉट टाइम आफ्टर 8 PM द बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल. कौन से टाइम में अवेलेबल होगी? द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच क्वेश्चन. एट द टाइम आफ्टर 8 PM अ बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल. द स्पॉट ऑफ क्वेश्चन इज फॉर्म. ये क्वेश्चन का स्पॉट हमको मिल गया कि ये क्वेश्चन है हमारा. मैसेज क्रिएट हुआ. अब सेकेंड है सिलेक्शन ऑफ मीडियम. आफ्टर क्रिएटिंग ऑफ मैसेज इन ऑर्डर टू सेंड द मैसेज टू वन नीड्स टू गो पर्सनली टू सेलेक्ट वन और मोर देन वन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल. हमने मैसेज क्रिएट कर लिया लेकिन उसका मीडियम क्या, हम कैसे मैसेज भेजेंगे? टेलीफोन इज यूज एज अ मीडियम ऑफ सेंडिंग मैसेज. हमने हमको क्वेश्चन हुआ कि 8 बजे के बाद बस कोई अवेलेबल है राजकोट टू वडोदरा, तो वो हम टेलीफोन
यूज़ करेंगे उसमें और कॉल करके पूछेंगे कि बस अवेलेबल है कि नहीं है। थर्ड है टू सेंड मैसेज, मैसेज सेंड किया, द मैसेज इज सेंड आफ्टर सिलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड मीडियम ऑफ मैसेज। मैसेज क्रिएट कर लिया, मीडियम ढूंढ लिया, अब क्या करेंगे, मैसेज सेंड करना है। इट इज़ इंक्वायर्ड दैट द एट वोट टाइम आफ्टर 8 PM बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल। इंक्वायरी हुई, मैसेज भेजा, उसके बाद है टू एक्सेप्ट द मैसेज, द सेंडर सेंड्स द मैसेज एंड रिसीवर एक्सेप्ट द मैसेज। जब सेंडर मैसेज भेजेगा तब रिसीवर है वो एक्सेप्ट करेगा। यूजिंग द मीडियम ऑफ टेलीफोन एंड द रिसीवर रिसीव द मैसेज दैट वॉट टाइम आफ्टर द 8 PM बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल। रिसीवर को इतना मैसेज मिलता है, ये उसकी फोर्थ उसका फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ है इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, मैसेज का इंटरप्रिटेशन करना है। द सेंडर सिलेक्ट्स द प्रॉपर वर्ड्स एंड यूजेस सच लैंग्वेज इन द मैसेज दैट द रिसीवर कैन इंटरप्रिट इट वेरी वेल। प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करता है सेंडर अगर, तो सामने वाले को भी पता चलता है कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। तो ऐसे कम्युनिकेशन करते हैं। व्हेन अ सेंडर सेंड द मैसेज दैट द व्हाट टाइम आफ्टर 8 PM बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल, द रिसीवर अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ क्वेरी रिगार्डिंग बस अवेलेबल। तो रिसीवर को पता चलता है, रिसीवर इंटरप्रिट करता है कि ये मैसेज है, ये सामने वाला मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब सिक्स है रिप्लाई टू द मैसेज, तो सामने वाला रिप्लाई करेगा। द रिसीवर ऑफ द मैसेज इंटरप्रिट्स द मैसेज प्रॉपरली एंड गिव्स द रिप्लाई, उसका इंटरप्रिटेशन ठीक से करेगा और उसका रिप्लाई देगा। द रिसीवर ऑफ द मैसेज रिप्लाइज द क्वेरी एट वॉट टाइम आफ्टर द 8 PM फ्रॉम द बस राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल एंड विल सप्लाई इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली। बस होगी तो वो ऐसे रिप्लाई करेगा, बस नहीं होगी तो वो इस तरह से रिप्लाई करेगा। तो ये सारी जो 6 स्टेप में कम्युनिकेशन की प्रोसेस हुई, आपको ये क्वेश्चन आपके होम असाइनमेंट में लिखना है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। इतनी चीज़ें आपको आपके होम असाइनमेंट में लिख के सबमिट करनी है, तो ही एक चैप्टर आपको आसानी से आ जाएगा। आपको होम असाइनमेंट टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है और सेंड कर देना है। थैंक यू।